السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. نعت شریف پیش کرنے کے لیے سید مصطفیٰ چہرم با کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نعت پاک مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. بڑا عمدہ کلام ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی،
वहीं जीता वहीं मरता, वहीं गोर कफन होता। वहीं जीता वहीं मरता, वहीं गोर कफन होता। मुयसर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुंच जाता। मुयसर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुंच जाता। जहे किस्मत के अपना शिया उनका चमन होता। जहे किस्मत के अपना शिया उनका चमन होता। मुकद्दर से रसाई उनके दर तक काश हो जाती। मुकद्दर से रसाई उनके दर तक काश हो जाती। मताए जानी सारे रो जाए शाहे जमन होता। मताए जानी सारे रो जाए शाहे जमन होता। सभी कुछ है मगर जब वो नहीं तो कुछ नहीं हासिल। सभी कुछ है मगर जब वो नहीं तो कुछ नहीं हासिल। जहाँ मैं हूँ वहीं ऐ काश वो जलवा फिगन होता। जहाँ मैं हूँ वहीं ऐ काश वो जलवा फिगन होता। खुदा शाहिद के हम सारे जहाँ पर हुक्मरा होते। खुदा शाहिद के हम सारे जहाँ पर हुक्मरा होते। रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता। रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता। तमन्ना है के कटती उम्र उनके आस्ताने पर। तमन्ना है के कटती उम्र उनके आस्ताने पर। इनायत जलवा गर होती करम साया फिगन होता। इनायत जलवा गर होती करम साया फिगन होता। खुशा किस्मत के होता को चाहे महबूब में मस्कन। खुशा किस्मत के होता को चाहे महबूब में मस्कन। उन्हीं की राह में कुर्बान अपना जान तन होता। उन्हीं की राह में कुर्बान अपना जान तन होता। यही है आरज़ू साक़िब यही अपनी तमन्ना है। यही है आरज़ू साक़िब
बकीए पाक अपना भी बदन होता, के पेवंदे बकीए पाक अपना भी बदन होता। तमन्ना है के गुलजारे मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में को भी अपना भी चमन होता। माशाल्लाह, इसके बाद हजरत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करने के लिए मैं मौलाना महमूद मुकद्दम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हजरत का इस्लाही कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। ये कलाम हजरत शाह हकीम अख्तर साहब नवरल्लाह मरकदहु ने 1993 में रीयूनियन के नाम से लिखा था। आप यहाँ से जब हिजरत फरमा कर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे तो उसी की याद में यूँ समझिए कि ये कलाम लिखा गया। और चूँकि हिजरत को हमारी हमारे दीन और शरीयत से खुसूसी नस्बत और मुनासिबत भी है, तो उसी वजह से कुछ मदीने का भी ज़िक्र इसमें किया गया है और अखीर में दुआ भी की गई है और एक शुरू में हमको सबक भी दिया गया है। बग़ौर समात फरमाइश। लज्जते जिक्र नाम खुदा है चमन, लज्जते जिक्र नाम खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दश्त ओ दमन। दश्त कहते हैं सहरा को, दश्त कहते हैं सहरा को, और दमन कहते हैं कूड़ा करकट की जगह को। लज्जते जिक्र नाम खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दश्त ओ दमन। की है जिसने भी हिजरत तेरे नाम पर, पा गया वो बहारे वतन। फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। की है जिसने भी हिजरत तेरे नाम पर, पा गया वो बहारे वतन। है ज़रूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, है ज़रूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर्के वतन। है ज़रूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर्के वतन। है ज़रूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर्के वतन। ये है फैज़ान आहो फुगां देख लो, ये है फैज़ान आहो फुगां देख लो, दामने कोह में दिल है कैसा मगन। ये है फैज़ान आहो फुगां देख लो, दामने कोह में दिल है कैसा मगन। बिल यकीन पाएगा निस्बते औलिया, बिल यकीन पाएगा निस्बते औलिया, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन।
बिल्यकी पाएगा निस्बते औलिया, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन। शहर महबूब होगा जहाँ भी कहीं, आशिकों का सुना है वही है वतन। शहर महबूब होगा जहाँ भी कहीं, आशिकों का सुना है वही है वतन। फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ। काश होता मदीने में मेरा वतन, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ। काश होता मदीने में मेरा वतन, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ। काश होता मदीने में मेरा वतन, किस तरह मैं कहूँ दिल से ऐ दोस्तों, किस तरह मैं कहूँ दिल से ऐ दोस्तों। जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। है वतन में मगर दिल मदीने में है, है वतन में मगर दिल मदीने में है। ऐ मदीना फिदा तुझ पे हो सद वतन, है वतन में मगर दिल मदीने में है। है वतन में मगर दिल मदीने में है, है वतन में मगर दिल मदीने में है। ऐ मदीना फिदा तुझ पे हो सद वतन, नेक लोगों में हो साहिबे दर्द दिल, नेक लोगों में हो साहिबे दर्द दिल। है चमन में कोई जैसे रश के चमन, नेक लोगों में हो साहिबे दर्द दिल। है चमन में कोई जैसे रश के चमन, रोज़ो शब है ये अख्तर की आहो फुगा, रोज़ो शब है ये अख्तर की आहो फुगा। बख्श दे रोज़ महशर मुझे ज़ुल्मिनन, रोज़ो शब है ये अख्तर की आहो फुगा। बख्श दे रोज़ महशर मुझे ज़ुल्मिनन। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए व सादतिल अतकियाए व सय्यदिल मुरसलीन खातमिन नबियीन मुहम्मदिन व अला आलिही
وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم ایک مختصر سی زندگی اور مختصر سا وقت دے کر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے, بھیجا ہے اور بندگی کی آزمائش ہم سے متعلق رکھی گئی ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے یا باغی بن کر جیتا ہے. اس کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں, آزما رہے ہیں, ہر ہر قدم پر, ہر لمحہ, ہر ہر عمل, سکون, حرکت اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نگاہ میں ہے. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہے. جو نگرانی لینے کر رہا ہے وہی امتحان لے رہا ہے اور وہی بدلہ دینے والا ہے. اس لیے بڑی ذمہ داری اہل ایمان کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو مکمل کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کے دیکھنے کا خیال رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. ابھی اللہ رب العزت کے دیکھنے کا خیال ہمارے ذہنوں پر غالب نہیں ہے, بھول جاتے ہیں, بالکل یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کون ہے مر کر جس کے سامنے حاضر ہوگا. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی شانہ ہر بندے سے حساب کتاب کرے گا اور اس کی زندگی کا جائزہ لے گا. یہ عقیدہ آخرت سے متعلق عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ آخرت صحیح ہوگا, درست ہوگا اور اس کو اس عقیدے پر اطمینان حاصل ہوگا, وہ بندہ اپنی زندگی صحیح راستے پر چلائے. اور جس بندے کو عقیدہ آخرت کا استحضار نہیں ہوگا, بننے کے بعد ایک زندگی ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, یہ بات ذہنوں میں صرف سرسری طور پر ہوگی مگر یقین بنا ہوا نہیں, وہ بندہ کبھی بھی اپنے کو سیدھے رستے پر مستقیم نہیں رکھ سکتا, وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کے عوامر و احکام کو بجا لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ آخرت کا عقیدہ ہی آدمی کو درست کرتا ہے. ہم آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں, کون مسلمان ہے جو آخرت کو نہیں مانتا؟ ہاں بالکل صحیح ہے, جو باتیں کہی جائیں گی کہ بھائی آخرت کے بارے میں قرآن حدیث میں یہ ہے, تو وہ باتیں ہم مانتے ہی ہیں, انکار کسی کو بھی نہیں, لیکن وہ عقیدہ نہیں بن سکا, وہ ہمارا یقین نہیں بن سکا. یقین کہ سانپ کے کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے وہ ہر کسی کو یقین, شیر حملہ کر دے تو خون چوسے بغیر نہیں چھوڑتا, ہر ایک کو یقین ہے. بجلی کے ننگے تار اگر پکڑ لیے جائیں تو جان نکل جاتی ہے آدمی کی, وہ جلا کے کوئلہ بنا دیتی ہے, یقین ہے. آگ جلا دیتی ہے, اس کا یقین ہے. پانی ڈبا دیتا ہے, اس کا یقین ہے. ان یقینوں کی وجہ سے ان خطروں میں آدمی اپنے کو نہیں ڈالتا, کیونکہ یقین ہے, اس کے نقصان کا یقین. لیکن گناہ کے نقصان کا ایمان تو ہے, یقین نہیں کہ گناہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. گناہ کرنا ہماری زندگی کے لیے, ہماری موت کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے مضر ہے.
हमें पता है हम ईमान भी लाए हैं पर हमें यकीन का मर्तबा हासिल है। इस वजह से ईमान लाकर भी गुनाह करते, जब यकीन का मर्तबा हासिल हो जाता है तो आदमी इस मुसीबत से खुद ब खुद अपने को दूर कर देता है। जब पता है कि यह मुसीबत है तो दूर कर देता है, अपने बच्चों को बचा लेते हैं, आप को बचा लेते हैं। हमें यकीन पर मेहनत करनी चाहिए कि जो जो बातें हम मानते हैं दीन के हवाले से, अकीदे के हवाले से, अपने मजहब के तालीम होने के हवाले से, उन बातों के सच्चे होने पर यकीन का मर्तबा हासिल हो जाए। ये बातें सच्ची हैं, ये बातें गलत नहीं, ये मकाम हासिल हो जाए। वही यकीन बिलखसूस अकीदे आखिरत, आखिरत के बरहक होने का यकीन पैदा करना चाहिए आदमी को, और ये यकीन पैदा होता है यकीन वाली बातों से, यकीन करने वालों के वाकयात सुनने से, पढ़ने से, और जिनको यकीन है उनकी सोहबत में रहने से। ख़ुद को भी ये दौलत हासिल होती है। कितने लोग हैं जो पहले यकीन ही नहीं रखते थे लेकिन फिर उनको अल्लाह के किसी नेक बंदे की सोहबत मयसर आई, जिसको यकीन था उस यकीन वाले की सोहबत में रहकर इसको भी यकीन हो गया और ये भी एहतियात बरतने लगा। बड़ी बड़ी मनफातों की कुर्बानी देना और बड़े बड़े नुकसानात दुनियविया का सह लेना, बर्दाश्त कर लेना उस बंदे के लिए आसान हो गया जिसको अपने अकीदे आखिरत पर यकीन। ऐसे बंदे आज भी हैं और उनके लिए कुछ मुश्किल है, वो बस ये देखते हैं कि मेरा आखिरत का नुकसान तो नहीं है, अगर है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मनफात छोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े फ़ायदे को नज़रअंदाज कर दे सकते, कर रहे हैं अल्लाह के बंदे, मगर वो वही हैं जिनको यकीन, हमको यकीन नहीं है। यकीन नहीं होने की वजह से हम सोचते हैं कि पता नहीं आखिरत है कि भी नहीं है, तो सही हमारा ये अकीदा लेकिन है या नहीं है डाउटफुल, एक किस्म के खलजान में मुब्तला, गैर इत्मीनानी कैफियत है अपने अकायद के ऊपर। ये गैर इत्मीनानी कैफियत इत्मीनान से बदल जाए और शक यकीन में तब्दील हो जाए तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, वो आदमी खुद उस रास्ते पे चलता है जो रास्ता उसकी आखिरत की कामयाबी का है। हीले बहाने और तरह तरह के रास्ते ढूंढना, निकालना, ये उस शख्स के लिए मुमकिन नहीं होता जिसको यकीन बन गया। बेयकीन लोग तरह तरह के बहाने करते हैं। अगर हमें दिल को इत्मीनान हो कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, एक दिन मरने के बाद उठना है, मरना ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है, मरना तो शिफ्ट हो जाने का और मुंतकिल हो जाने का नाम है, इस आलम से आलम आखिरत की तरफ और अल्लाह के सामने खड़े होना है। हदीस पाक में है कि आदमी लाया जाएगा अल्लाह ताला के सामने, अब बिल्कुल अल्लाह ही के सामने खड़ा किया जाए, कोई चीज़ दरमियान में आड़ नहीं होगी, कोई पर्दा भी नहीं होगा, हिजाब भी नहीं होगा। लैस बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब वला तर्जुमान, उसके और खुदा के बीच में न पर्दा होगा और न कोई तर्जमा करने वाला होगा, डायरेक्ट गुफ्तगू होगी, अल्लाह बात करेंगे, वो अल्लाह से मुखातब होगा, अल्लाह उससे मुखातब, कोई भी नहीं होगा बीच में। और उस हाल में अल्लाह ताला उससे अपनी एक एक नेमत याद दिलाकर उसके बारे में क्या हक अदा किया, ये सवाल था, इसका क्या हक अदा किया,
एक एक नेमत याद दिलाएंगे और बंदा मानता जाएगा मनता जाएगा और अपनी सेफ्टी और हिफाजत के लिए इधर उधर देख रहा होगा तो जिधर देखेगा उधर आग ही आग देखेगा, तब वो मायूस हो जाए। तो सोचेगा ना बचने का रास्ता है और ना झुटलाने की कोई सूरत है, किसको झुटलाएगा? अल्लाह ताला ही पूछ रहा है बराह रास्त, कैसे झुटलाएगा, क्या झुटलाएगा? तो जो लोग नबी की इन खबरों पर यकीन रखते हैं उन्हें उस दिन का तसव्वुर बहुत सी नाफरमानियों से रोक देता है। तो क्या मुंह लेके अल्लाह के सामने जाएंगे, रुक जाता है, डरता है आदमी। बहुत से लोग हैं जो किसी को अपना बुजुर्ग मानते हैं, मोहतरम मानते हैं, उस्ताज मानते हैं, कोई गलती होती है परेशान होते हैं और यूं कहते हैं कि भाई कुछ भी करो वहां तक बात जाने मत। तो अगर दुनिया के अंदर लोग अपने बड़ों बुजुर्गों और नेक लोगों तक अपनी कोताहियां पहुंचाना नहीं चाहती कि उन्हें तकलीफ होगी कि साहब इस बंदे ने ऐसा काम किया, मेरे शागिर्द ने ऐसा काम किया, मेरे बेटे ने ऐसा काम किया, मेरे मुरीद ने ऐसा काम किया, तो उनको तकलीफ होगी। उस तकलीफ के तसव्वुर से पहले तो करता नहीं कुछ और अगर करता है तो वहां तक पहुंचने नहीं देता, पर हक ताला शानहु तक ना पहुंचने की क्या सूरत है? क्या करेंगे हम कि अल्लाह ताला को पता ना चले? किसी बंदे को ख्याल आया था कि कोई ऐसी तदबीर करो कि अल्लाह तक बात ना जाए, तो उसने मरने से पहले अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुलाकर, बड़े जवान बच्चे थे उसके, उनसे कहा कि तुम लोगों ने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है मेरे साथ, तो तुमने मुझे कैसा पाया, अपने हक में मुझे तुमने कैसा पाया? तो बच्चों ने कहा कि बेहतरीन बाप पाया हमने, खुश रखा, खिलाया पिलाया, भले बुरे का ख्याल रखा, कभी हमको किसी तकलीफ का एहसास होने नहीं दिया, हमने आपको बेहतरीन बाप पाया, कोई शिकायत नहीं आपसे। तो कहा कि अच्छा जब ऐसा है तो अपने अच्छे अब्बा की एक मदद करो, हमारे साथ भी कुछ अच्छा करो। उन लोगों ने कहा क्यों नहीं, जरूर बोलिए, जो आपकी फरमाइश होगी हम आपका भला करेंगे, आपने हमारे साथ पूरी जिंदगी भला किया हम भी भला करेंगे। तो कहा कि मदद यह है मेरी कि मैंने जिंदगी गुजार दी अल्लाह की नाफरमानी, कोई खैर मेरे आमाल नामे में नहीं, गुनाहों का ढेर मेरे साथ लगा हुआ है, अब मैं मरने वाला हूं, बचना मुश्किल है, आखिरी वक्त हो गया है, अगर मर गया अब मुझे खुदा के हुजूर में पेश कर दिया गया तो फिर मैं बच नहीं सकता उसकी पकड़ से और कोई बचा नहीं सकता मुझे, इसलिए मेरी मदद ये करो कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला दो, मेरी राख बना दो और उस राख को तेज हवाओं के दिन, जब हवाएं तेज चल रही हो, आंधी चल रही हो, तेज हवाओं के दिन किसी चोटी पर, किसी पहाड़ी पर जाकर हवा में उसको बिखेर दो। तेज हवाओं में किधर जाएगी राख, हो
कहाँ कहाँ चली जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा, अभी दिखेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं। तो ऐसा क्यों किया जाए? तो कहा कि बेटा, तुम्हारे अब्बा अगर अल्लाह की पकड़ में आ गए तो अब बचने की कोई सूरत नहीं, बस ये एक सूरत है कि उसकी पकड़ ही में ना हो, पकड़ ही में ना हो अल्लाह ताला, बस कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाएगा, कहाँ कहाँ से जमा करे रहोगे, किस्सा खत्म हो जाएगा पूरा, ना पकड़ा जाऊं ना पूछा जाऊं ना सजा मिले। ये तदबीर उसके जहन में आई, उसके बच्चों को अपने एहसानात याद दिलाकर ये एहसान का वादा लिया। बच्चे भी वैसे ही थे भले मानस, बाप मर गए तो यही सारी वसीयतें पूरी कर दी उन्होंने। अब बिखेर दिया हवा, तेज हवाएं सब इधर उधर उधर खुदा जाने कहां मील उमील फैला दी, कुछ दरिया में चला गया, पहाड़ों पे, वादियों में, जंगलों में, दरख्तों पर, सहराओं में, कहाँ कहाँ चला गया। एक बंदा उसके अजजा राख बनकर पूरे आलम में बिखर गए। जब सब कुछ हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने हुक्म फरमाया हवा ही को कि मेरे बंदे को मेरे सामने पेश कर। अल्लाह ही ने हुक्म दिया। अब जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया तो वह तो अल्लाह की मखलूक है, उसका काम हुक्म मानना है। देखते देखते ये बंदा, इसके जर्राते जिस्म जो जलकर राख के अज्जा बन गए थे, वो सब इकट्ठे हुए और ये एक मुकम्मल इंसान खुदा के सामने खड़ा ले आया गया, अल्लाह के सामने आमने सामने बिल्कुल सामने खड़ा हो। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कैसे नहीं हो सकता है, तुम्हारे लिए अगर नहीं हो सकता है तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं। अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर हर चीज पर कादिर, इस पर भी कादिर। रब अरिनी कैफ तुहयी अल-मौता, قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير, चार परिंदे लाओ और उसको रेशा रेशा अलग अलग कर दो, हर चीज अलग कर दो, कहीं रख दो, फिर मेरे नाम से बुलाओ, तलब करो उसको। यतीन कसाया वालम अन्न अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, परिंदे अपने अपने अज्जा ले लेंगे और खुद से जुड़ जाएंगे और खुद से जान उसमें आ जाएगी, अब वो आके आपके सामने खड़े हो, बस आप यकीन कर लीजिए कि अल्लाह गालिब है, जो चाहे सो कर सकता है। तो उस अल्लाह के लिए जलाए जाने वाले, दफन किए जाने वाले, कांटे जाने वाले, टुकड़े करके फेंक दिए जाने वाले, चीलों के जिस्म का हिस्सा बन जाने वाले, खूंखार दरिंदे खाकर अपने पेट में हजम कर ले जाने वाले, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, यती न कसाया ला के अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, हर जगह से लाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता। और जब अल्लाह ने सामने खड़ा किया तो उस बंदे ने से अल्लाह ने पूछा ऐसी हरकत क्यों की तूने, बहुत गुनाह किए, बहुत नाफरमानियां किए, चलो सब करता रहा, ये जो आखिरी काम किया ऐसी हरकत क्यों की तूने? तो वो डरता कांपता खड़ा था, उसने जवाब दिया मिन खशयति का या रब, पाक परवरदिगार तेरे डर से किया था मगर बच नहीं सका।
तेरे ही डर से किया था कि पकड़ में ना आ जाऊं, सामना ना करना पड़े इस नालायक बंदे को, खुदा का सामना ना करना। मैं ऐसा सोचा, मेरी अकल में ऐसा आया कि ये शक्ल है बचने की। मिन खशियति का या रब, तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अच्छा, तुझे मेरा डर था, उसी खशियत की वजह से मैं तेरी बख्शिश कर दी। अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया और बख्श दिया। होने वाले बाज वाकयात हैं ये सब, अभी कहाँ कयामत आई, अभी कहाँ ये सब हुआ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह बयान फरमाते हैं जैसे कभी माजी में ऐसा हो गया, ऐसा बयान करते हैं। उसकी वजह यह है कि अरब के लोग मुस्तकबिल में किसी चीज के यकीनी और पक्के होने को बयान करने के लिए माजी का फेल इस्तेमाल करते, गोया हो गया। जैसे उर्दू जबान में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग माँ कोई बुलाए, आवाज दे, तो हम कहते अभी आया। तो आया कहाँ, आता हूं आऊंगा, लेकिन आया कहता है। आया कहने का मतलब यह है कि तामील में कोई शक नहीं, यकीनन आ रहा हूं, यकीनी तौर पर आ रहा हूं, हुक्म मान लिया मैंने, ये मतलब होता है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम भी अरबी मुहावरों के मुताबिक जो मुस्तकबिल में होने वाला है उसी माजी में हो चुके इस अंदाज से बयान कर, अल्लाह ने बख्शिश कर दी, कर दी, करेगा। ये किस्सा होने वाला है, इस बंदे को अल्लाह ताला जमा करेगा या आलम मिसाल में हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखा दिया गया, ऐसा होगा, दिखा दिया गया आलम मिसाल। बहुत हकीकतें आखिरत की हमारे नबी को आलम मिसाल में दे दी। एक आलम उलिया है, वो मरने के बाद पेश आएगा। एक आलम नासूत है जिसमें हम जी रहे हैं। एक आलम मिसाल है, सिर्फ दिखाया जाता है, और ऐसा ही दिखाया जाता है जैसा के आलम आखिरत में होने वाला है, ठीक इसी तरह दिखाया जाता है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को यह हकीकतें दिखा दी। ये वाकया मुतअद्दद मुहद्दिसीन ने मजबूत सनद के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम से नकल किया। आपने सुनाया सहाबा को यह किस्सा, सहाबा किराम को सुनाया हुजूर अलैहिस्सलाम। मतलब ये है कि कहीं चला जाए आदमी, कोई छुपने की जगह नहीं। मा अंतुम बिमुजिजीन फिल अर्ध वला फिस समा, तुम लोग न जमीन में अल्लाह को हरा सकते हो, ना आसमानों में कहीं चकमा दे सकते हो। औ मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, और अल्लाह को छोड़ के तुम्हारा कोई मददगार है भी नहीं, कोई मदद करने वाला है भी नहीं। इसलिए अल्लाह ताला के देखने का यकीन, अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने का यकीन अपने अंदर पैदा करना चाहिए। इस चीज में जितनी कमी होगी उतनी जिंदगी बेराह गुजरेगी, गुमराह गुजरेगी, और नाफरमानियों में और मासियतों में गुजरेगी। और जितना आखिरत का अकीदा पक्का होगा उतना इंसान कामयाब। तारीख बताती है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए तो उनको किसी जरूरत की चीज चाहिए थी। दुकान पर गए और सामान मांगा, उसने दे दिया, उन्होंने जेब से पैसे निकाल के उसको दे दिए। उन्हें नहीं पता था कि यह सिक्का खोटा है, खोटा सिक्का है जो
किसी ने उनको दे दिया होगा। अब वो भले आदमी किसी ने दिया तो रख लिया, यहां अपना सामान लेने के बाद वही खोटा निकाल के उसको दे दिया। तो भाई दुकानदार उनकी तरह भला मानस तो नहीं था, तो बहुत होशियार चालाक होता है, वो तो देख के लेता है। उसने देखा कि साहब ये खोटा सिक्का है, कहां से लेके आ गया, ये बड़े मियां बहुत धोखेबाज मालूम होते हैं। उसने सिक्का उठा के फेंक दिया और सख्त करख्त लहजे में उसने कहा कि वली साहब इधर धोखा होगा नहीं चलता, ये रखो अपने पास, जो खरा है वो दो, ये खोटा मत चलेगा, नहीं चलेगा, खरा वाला दो, ये नहीं चलेगा यहाँ धोखा। तो बस इतना सुनना था कि उन पर एक कैफियत तानी हुई और वो चकरा गए, जमीन पे गिर गए। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, बहुत लोगों ने देखा भाई कोई आदमी गिर गया बेहोश होकर के, क्या हुआ। किसी ने आकर उनको उठाया, उठाने की कोशिश की, तदबीर की कि होश में आ जाए। इतने में बास लोगों को वो पहचान में भी आ गए कि भाई ये तो शेख है, वक्त के वली अल्लाह है, जुनैद मुत्तफक अलैह शेख कामिल है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। तो फिर लोगों ने उनको सहारा दिया, एक साइड में ले गए, पानी वानी पिलाया और होश में लाया और ये किया। सब लोग दुकानदार पे खफा होने लगे, तुझे नहीं मालूम कि इतने बड़े अल्लाह वाले आदमी है, बदतमीजी किया इनके साथ ऐसे। तो फिर शेख ने फरमाया उसको कुछ मत, उसकी कोई गलती नहीं, गलती मुझसे हुई है, मेरी गलती पर वो नाराज हुआ है, बात बराबर है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ ही है कि मैं तो जानबूझ के धोखा नहीं दिया उसको, धोखे से मुझे मिल गया था खोटा सिक्का, मैंने धोखे में उसको दे दिया, मेरा इरादा तो नहीं था कुछ धोखा देने का, लेकिन जब उसने मेरा खोटा सिक्का उठा के फेंका और कहा कि मौली साहब इधर नहीं चलेगा सब धोखा धकाड़, तो फौरन मेरे जहन में ये बात आई कि कल कयामत में उम्र भर के आमाल अल्लाह ताला मुंह पे मार दें और कहें कि इधर धोखा वोखा नहीं चलेगा, ये सिक्के खोटे नहीं चलने वाले हैं तुम्हारे, तो मैं क्या करूंगा, अब तो दूसरा निकाल के दे रहा हूं, उस दिन क्या करूंगा जब दूसरे का मौका भी नहीं, वापस जिंदगी नहीं है मरने के बाद। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के देखने का यकीन, क़यामत के कायम होने का यकीन इन हजरात के कुलूब में है, क़यामत के कायम होने का यकीन। एक औरत आई और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कुछ बात करना चाहती, उसने अपने शोहर से कह रखा था कि मेरे हुस्न का यह हाल है कि जुनैद भी देखे तो फरिश्ता हो जाए, जुनैद बड़ा मुत्तकी आदमी मशहूर, जुनैद भी देखेंगे तो फरिश्ता हो जाए। और उसके शोहर में उसमें कुछ ठन गई, खटपट हो गई, वो सीधे बुरका पहन के आई और चादर ओढ़ के पहुंची और हजरत जुनैद से कुछ बात करना है मुझे, समझे कोई अल्लाह की बंदी, कोई दीन की बात कुछ समझना चाहती हूँ कुछ आएगी, तो वह तशरीफ लाए। जब सामने आए तो सामने आमना सामना होते ही उसने चेहरे पर से नकाब हटा दिया कि उनको फितने में मुबतला कर दिया, लेकिन उनकी नजर पड़ी और आंखें बंद हुई और होश खा के गिर गए, और उस वक्त होश में आए जब वो डर के वहां से भाग गई। तो खौफ खुदा ये दिल में पैदा होता है आखिरत के यकीन के साथ,
اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے ملنے کا یقین، اللہ کا سامنا ہونے کا یقین، حساب کا یقین، جب تک یہ صفت نہیں پیدا ہوگی یہ زندگی کی بے راہ رویاں ختم ہونے والی ہیں، یہ غفلتیں ختم ہونے والی ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، آتیتن آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالی ہر اس کو سامنے لائے گا جو قبر میں ہے، جو زمین میں ہے سب سامنے آئے، اور زمین کے باہر کوئی بھی نہیں، سب زمین ہی میں ہیں کسی نہ کسی شکل میں، زمین ہی کے اندر پڑے ہوئے۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، ہر ایک کو اللہ نکال کے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو سب کچھ قرآن میں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین نہیں بنا ہوا ہے، تو ہمارا ایمان ہم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا نہیں پا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی سطح ہیں، ایمان کے درجات ہیں، ہم ایک درجے میں ہیں اور وہ درجہ ناقص ہے، اس درجے سے ایمان کو بلند کرنا ہے، اس پر محنت کرنا ہے، نفس تصدیق میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن شان ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیفیت ایمانیہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی سے یہ سارے ثمرات ہم کو ملتے، یہ اعمال کے پھل اس کو ہی لگتے ہیں، اور اسی سے آدمی کی زندگی استوار ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنا، اور استقامت باقی قائم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پہ ثابت قدم ہے، یہ آسان نہیں۔ آمنا باللہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن آمنا باللہ کے تقاضوں کو عمر بھر پورا کرنا یہ کوئی آسان کام ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن جو کرے گا وہی جیتے گا، وہی کامیاب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ محروم ہوگا اور مایوس ہوگا اور ناکام ہو جائے گا، کرنا تو پڑے گا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک شخص نے کہا مختصر نصیحت کیجئے، تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اب یہ نبوی ایجاز ہے، اعجاز ہے کہ انہوں نے بس اتنا مختصر کر دیا کہ بھیجا اور کیا مختصر کریں، بس اور سارا دین اس میں بتا دیا، سارا دین ثم استقم میں آ گیا، بس آمنت باللہ بولو، یہ تو بہت ٹھیک ہے، آمنت باللہ کتنی دیر میں بولے گا، ثم استقم پھر ثابت قدم رہنا موت تک اس کے اوپر، اتنی مختصر نصیحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اختصار کی بھی حد کر دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک ہی آہ میں کہہ دیا غم دل، کس قدر ہم نے اختصار کی، حضور علیہ السلام نے بس اتنا، ثم استقم میں پورا دین سمو دیا، تمام مجاہدات تمام کامیابیاں اسی کے اندر رکھ دی۔ اب استقامت کی فکر کرو، کہنے کو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے، سب کے لیے ہے نبی کی نصیحت، یہی آپ کا نصاب ہے، تمام سالکین کا، راہ خدا میں چلنا چاہنے والوں کا، بارگاہ رب العزت کے باریاب ہونا چاہنے والوں کا، مقاصد کو پورا کرنا چاہنے والوں کا، سب کا نصاب اتنا ہی ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم،
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, بس اتنا ہی نصاب ہے, کیونکہ اتنے ہی نصاب کے بعد اللہ نے فرمایا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة, ہم ہیں تمہارے متولی, ولی, والی, سب ہم ہیں, کہاں دنیا میں بھی اور تمام مسائل دنیاویہ کے لیے ہم تمہارے والی ہیں, مولا ہیں, اور آخرت میں بھی ہم ہی ہیں ہر خطرے سے بچانے اور ہر نعمت کے دلانے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. کب؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس کے اوپر ہے یہ سب نعمتیں, نزلا من غفور الرحیم, جنت کی نعمتیں, سب چاہتیں, جو تم چاہو سب کچھ وہاں پر موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ, یہ سارے انعامات سے پہلے کرنے کا کام ایک ہی ہے, وہ یہ کہ ایمان لاؤ اور ایمان پہ ثابت قدم رہو, اور ایمان پہ ثابت قدم رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہے. ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو نبی کہہ دیں کرو, جس سے نبی روک دیں رک جاؤ, بعد آ جاؤ. بہت کام ہے, ہمیں معلوم ہے کہ نبی نے کرنے کو کہے ہیں پر ہم نہیں کر رہے, بہت کام ہے ہمیں معلوم ہے کہ نبی نے نہ کرنے کو کہا ہے پر ہم دھڑلے سے کر رہے, کوئی پروائی نہیں ہم کو, سے دیکھا جائے گا کون نبی کون خدا, بات کی بات. فی الحال تو میرا جی چاہ رہا ہے, فی الحال تو میری خواہش ہے, بس جو میری خواہش ہے وہ پوری کروں, لیکن جب دیکھا جائے گا, دیکھنے کی نوبت آئے گی, تب بچنے کی کوئی صورت نہیں, حفاظت کی کوئی شکل نہیں ہوگی. اس لیے ابھی اسی دنیا میں, اسی زندگی میں آخرت کی فکر کی جائے, موت کی تیاری کی جائے, اور شریعت مطہرہ پر استقامت کی فکر کی جائے, جو گناہ ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے ہیں, جو نیکیاں ہیں اس کی رغبت پیدا کرو, شوق پیدا کرو, جی لگے نہ لگے یہ کام کرو, اور اس کے اوپر جد و جہد اور محنت کرو, اس کی طرف ہم کو دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے, اور یہ نہیں کریں گے تو ناکام رہیں. بہت دور دور سے اہتمام کر کے بہت سے علماء کرام, بہت سے حضرات مدارس کے ذمہ دار, بڑی ذمہ داری رکھتے ہوئے بھی وقت نکال رہے ہیں, آ رہے ہیں, جڑ رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, اس پر نظر رکھیں کہ ہمارا آنا جانا ہمارے مقصد کو پورا کر رہا ہے. بڑی بڑی قربانیاں دے کر آئے, اپنے اہم اہم کام چھوڑ کے آئیں, دنیا کی مصروفیات والے اپنی دنیا چھوڑ کے آئے ہیں, دین کی مصروفیات والے اپنے دین کا کام بھی چھوڑ کر کہہ کے لیے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ وہ سارا کام تو دوسروں کے واسطے ہے, اور یہ کام میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ میں کچھ بن جاؤں, میں بھی تو آخر مغفرت کا محتاج ہوں, اور میں بھی تو آخر قیامت کے دن کی پکڑ سے بچنے کا محتاج ہوں. تو اپنی فکر کے لیے ایک دن ہے جو ہم نے نکال رکھا ہے, کہ سب اس میں ہمیں اپنی فکر کرنا ہے, اور باقی مہینہ بھر تو آپ امت مسلمہ کی فکر کر ہی رہے, جو علماء ہیں, جو خدام دین ہیں, امت کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. بہت بڑا کام ہے, بڑی ذمہ داری, اور بڑا اجر ہے اس کا قیامت کے دن. لیکن ایک دن آپ نے فارغ کیا کہ بھائی اپنی بھی تو فکر کرنی, سبھی دوسروں ہی کی تھوڑی کرنی, حساب ہمارا سب سے پہلے ہمارا ہی ہوگا,
हमसे हमारे ही बारे में पूछा जाएगा। तिलका उम्मतन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबत, तुम्हारी कमाई तुम्हारे पास है, अपनी नजात के लिए क्या लाए, अपनी मगफिरत के लिए क्या लाए, तो हम क्या पेश करें अल्लाह ताला के सामने। तो अपनी फिक्र करनी है कि अव्वलन तो हम दीन की हर एतबार से फिक्र करें और सिद्क हासिल करें। अवाम भी जो दीनदार बनना चाहते हैं, खवास भी जो दीनदार बनना चाहते हैं, एहतियाज दोनों की एक ही है। जो लोग दुनिया पढ़े हुए हैं और दुनियावी कामों में मशगूल हैं, उनकी भी जो हाजत है सबसे बड़ी वो बख्शिश और मगफिरत है। और जो उलमा हैं, दीन पढ़े हुए हैं, उनकी भी जो सबसे बड़ी हाजत है वो बख्शिश और मगफिरत है। तो एहतियाज दोनों का एक ही है, दोनों एक ही चीज के मोहताज हैं। अब मसरूफियतें अपनी अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन इस जिंदगी के मकसद को हासिल करना, और वो है नजात और मगफिरत, वो हमारा भी मकसद है, तुम्हारा भी मकसद है, दुनिया वाले का भी है, दीन वाले का भी है, गरीब का भी है, अमीर का भी है, सबका यही मकसद है। इसलिए जितने यहां आए हैं वो सब एक ही मकसद के लिए आए, और वो मकसद ये है कि भाई हमारी भी तो मगफिरत हो। हम क्या सबको दूसरों को ही मगफिरत का रास्ता दिखाते रहे, दूसरों ही की खैरखाई करते रहेंगे? हमारी फिक्र कब होगी अपनी? ये अपनी फिक्र है जो हमें यहाँ लाती है, लेकिन अगर हम आकर भी पाते नहीं कुछ तो क्या फायदा है? एक रस्म है, सबको महल बस्ती में मालूम है कि बहुत पाबंदी से जाते हैं खानकाह, बहुत फिक्रमंद है। कौन कितना फिक्रमंद है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिक्रमंद है, एक तदबीर कर रहा है। बसा औकात शैतान वो अमल जिसके जरिए हम अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं उसे भी हमारी दुनिया के मातहत कर देता है, फिर उससे भी हम अल्लाह की रजा नहीं हासिल, उससे भी हम दुनिया के तालिब हो जाते हैं। ये मकसद हो जाता है शैतान। तो इस वजह से नफ्स शैतान से डरते रहना है, उनके धोखों को जानना समझना है, उसका तजुर्बा हासिल करना है और अपने आप को बचाना है। ये जब तक पुख्ता इरादे के साथ आना होगा और इसी मकसद के लिए अपने औकात गुजारना होगा, फिर हिदायत देना अल्लाह का काम है, पीर मुर्शिद के हाथ में कुछ भी नहीं। वो तो रास्ता दिखा, भाई औकात जाया मत करो, फजूल काम मत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, जिक्र करो, कुरान पढ़ो, दुआ मांगो, नमाजें दुरुस्त करो और अल्लाह ताला के सामने हाजतमंद बंदे बनकर रहो, वो रास्ता बताएगा। मंजिल पर तो आप खुद पहुंचेंगे, हमें चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे, जो आदतें हैं वही चल रही हैं, जो बुराइयां हमारे अंदर हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, गुस्से में आते हैं तो ज़बान पर काबू नहीं रहता, जुल्म कर देते हैं, हमारे अंदर हसद है, हमारे अंदर दूसरों की तरक्की को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, हम अपने सगे भाइयों खूनी रिश्तेदारों से जल रहे हैं, हम कतई रहमी कर रहे हैं, हमारी निगाहों की हिफाजत नहीं हो रही है, हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कुरान की पाबंदी नहीं हो रही है, अल्लाह का जिक्र पाबंदी से नहीं हो रहा है, ये हमारा पहले से चल रहा है और 10 साल से खानकाह गुजार रहे हैं तो यही सब चल रहा है। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो भाई इस आने जाने से क्या मिल रहा है? इस आने जाने से पैसा खर्च होने के अलावा, वक्त खर्च होने के अलावा क्या मिल रहा है? मशक्क़त के अलावा क्या मिल रहा है? तो अक्लमंद आदमी हमेशा अपनी
मेहनत का इवज चाहता है, अकलमंद आदमी अपने खर्चे का बदला चाहता है। तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं महीने में एक दिन निकालने के वास्ते, तो पा क्या रहे हैं? महासभा करते रहो, महासभे से पता चलेगा। जो ताजिर हिसाब किताब नहीं रखता, वो ताजिर डूब जाने के बाद पता चलता है कि सब डूब गया। ऐसे ही जो सालिक हिसाब किताब नहीं रखता, तो वो बड़ी हलाकतों के बाद अल्लाहु अकबर यहां तक पहुंच गया मैं, तो अब क्या फायदा भाई? इसलिए हिसाब रोज रखो, दुनिया का हिसाब भी रखने वाला कामयाब रहता है, पशीमान नहीं होता और नुकसान नहीं उठाता, और आखिरत का हिसाब रखने वाला पशीमान नहीं होता, नुकसान नहीं उठाता। रोज हिसाब कर लो सोने से पहले, आज हमने क्या कमाया क्या खोया, रोज हिसाब करो। रोज ताजिर अपना गल्ला देख लेता है, कितना कमाया, क्या नुकसान है, क्या नफा है, एक नजर डाल लेता है। सालिक को भी चाहिए कि वो रोजाना सोने से पहले अपने नफे नुकसान पर एक नजर कर ले, वो देख ले कि उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ आज का दिन में से। एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि ऐ अल्लाह, मेरा सबसे अच्छा दिन आखिरी दिन बना दीजिए, सबसे अच्छी घड़ी आखिरी घड़ी बना दीजिए, सबसे अच्छा अमल आखिरी अमल बना दीजिए। तो ये होगा कैसे? कैसे अचानक अच्छा अमल हो जाएगा, अब कैसे अचानक वो अच्छा दिन हो जाएगा? ऐसी दुआ मांगकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी दुआ में हमको तरीका बता दिया है कि हर अगला दिन पिछले दिन से अच्छा हो तो जो मौत का दिन होगा वो सबसे अच्छा होगा। हर घड़ी पिछली से अच्छी अगली हो तो जो आखिरी होगी वो सबसे अच्छी होगी। हर अमल जो हमने आज किया है, इसके बाद जब करें तो इससे आला मेयार का करें, इससे ज्यादा अच्छा और उम्दा करें, इससे ज्यादा खुशू खुजू के साथ करें, मेयार उसका ऊंचा हो, यहां तक के फिर जो आखिरी अमल होगा वो आला दर्जे के मेयार पर होगा। तो ये दुआ सिर्फ दुआ नहीं है कि इत्तेफाक से ऐसा हो जाए, बल्कि इसमें तालीम भी है कि ऐसा होने का तरीका ये है, ऐसा हो जाए। हाँ, अल्लाह ताला को कुदरत है कि वो किसी गाफिल बंदे को भी अचानक अच्छा दिन दे दें, अच्छी घड़ी दे दें, अच्छा अमल दे दें, तो कुदरत से बईद नहीं। लेकिन होता कैसे है दुनिया में? वो तो अल्लाह की सुन्नत और आदत के मुताबिक होता है। इसलिए हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ना रुको ना पीछे जाओ, अपने इस सफर में आगे ही बढ़ते रहो, आगे ही बढ़ते रहो। रुकना इसलिए नहीं है कि जिंदगी मुख्तसर है, रुकने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, और आगे इसलिए बढ़ते रहना है कि आखिरी दिन अच्छा दिन हो जाए, आखिरी अमल अच्छा अमल हो जाए, आखिरी घड़ी अच्छी घड़ी हो जाए। इसके लिए आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। हालात को मत देखो, हालात बदलते रहते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जिसको कोई मकसद हासिल करना है वह ना हालात को देखता है ना घबराता है उसे, वो अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है। आप देखो जो मछेरे होते हैं समंदर के किनारे, तो वो अपनी बोट में बैठ करके बहुत आगे तक गए हुए होते हैं, अभी कभी उसके अंदर मौजें आना शुरू हो जाती हैं, कभी कभी ऊंची ऊंची मौजें आती, किनारे पर खड़े हुए लोग देख के डरते, अब डूबा तब डूबा, लेकिन वो अपनी बोट को पूरी हिम्मत मर्दाना से हर मौज के ऊपर करता है, हर मौज के ऊपर करता है, और उसके साथ ऊपर जाता है, उसके साथ नीचे आता है, अब बिलाखिर साहिल मुराद पर पहुंच जाता है, और देखने वाला सोचता अब डूबा, अब डूबा।
क्योंकि तमाशाई लोग कोई काम नहीं कर सकते, जो मर्द मैदान मैदान में उतरा हुआ है वही काम करके बता सक रहा है। इसलिए एक उम्मीद है हम नेक बन जाएं, हम अल्लाह वाले हो जाए, हमारी मौत अच्छी हो। ये तमाशाई लोग, ये साहिल पे खड़े तमाशा ही देख रहे, अब तमाशा नहीं देखो, करो। जब करोगे तो कामयाब हो जाओगे, और करोगे तो मकसद को अल्लाह नाकाम नहीं करेगा। अल्लाह ताला ये उसके लिए क्या होता है, हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जाब्ते का जो इंसान को इल्म हासिल है वो इल्म में ताकत नहीं है, कुव्वत है। कुव्वत जो है वो इश्क में है, मोहब्बत में कुव्वत है। मोहब्बत से अज मोहब्बत तलखा शीरी बवज, मोहब्बत से सब काम आसान हो जाते, कड़वा मीठा हो जाता है, मुजाहिदा तो खेल बन जाता है, हंसी खुशी मोहब्बत सब करा लेती है आदमी से। इसलिए हजरत हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि इबलीस के पास तीन इल्म थे, तीन आइन थे, एक आइन की कमी थी बस। उसके पास इल्म था, उसके पास अमल था, उसके पास मारिफत थी, लेकिन उसके पास इश्क नहीं था। इल्म से हुज्जत कर लिया, मारिफत से दुआ मांग लिया, अमल तो कुछ काम नहीं आया, उसी के गुरूर ने बर्बाद किया उसको। अगर इश्क होता तो कहना मान लेता और कहना मान के कामयाब हो जाता। आदम अलैहिस्सलाम के पास इश्क था, कहना मान लिया उन्होंने, कहना मान के कामयाब हो गए, इसके पास इश्क ही नहीं था। इसलिए बेखबर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और खिरद है महव तमाशा लबे बाम। अभी अकल अभी खड़े हो के छत पे से देख ही रही है कि कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए। खिरद अकल, अकल अभी सोचने ही में है, लेकिन जो इश्क था वो बेखतर। जब अस्हाब खंदक, अस्हाब उलुखदूद पकड़ पकड़ के लोगों को दहकती आग में डाल रहे थे बादशाह के हुक्म से, हर मोमिन को, हर मोमिन को आग में डाल रहे। एक माँ को आग में गिरने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, क्योंकि बच्चा शीरखार उसके गोद में था। ये बच्चा, बच्चे की जान बच जाती तो अच्छा था, मैं तो चलो कूद जाऊं इसकी। बच्चा, बच्चे की ममता, तो बेसाख्ता बच्चे ने कहा कि माँ उसमें कूदो, ओ जहन्नम नहीं ओ जन्नत है, कूद जाओ। तो वो खुद ही उसमें कूद गई, छलांग लगा। इसलिए कि अल्लाह ने फिर उन सबको जन्नत में पहुंचा दिया। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अखिरद है महव तमाशा लबे बाम। अभी अभी खड़े हो गए तमाशा ही देखने में, मशवरे में ही, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें कि ना करें, करूं कि ना करूं, करूं ना करूं, किसी भी इश्क ये सब इंतजार नहीं करता। उसे महबूब नजर आ गया, महबूब की खुशनुदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ उसके लिए कुर्बान। ऐसा हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए। जितने औलिया बने हमारे जैसे लोग तो बने, हमारे ही माओ की तरह किसी माँ ने उनको जन्म दिया, वो कहीं आसमान से नहीं आए, वो कोई दूसरी मखलूक नहीं थे, वो हमारे ही जैसे इंसान थे जिनको खौफ खुदा ने तकवा के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा दिया, और वो एक ऐसी जिंदगी गुजार गए कि इज्जत उनकी मुकद्दर बन गई इस जहां में भी और आखिरत में, नेमतें मुकद्दर बन गई, रिजा इलाही मुकद्दर बन गया। वो हमारे जैसे इंसान थे, बस फर्क ये है कि हम हिम्मत नहीं करते, उन्होंने हिम्मत कर ली और अल्लाह ने मदद कर दी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब हम हिम्मत करेंगे अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए इसका इरादा करो और हमेशा जायजा लेते रहो, जाते हुए रास्ते में या घर पहुंचकर कहीं भी आप जायजा लो कि भाई इतने महीनों से जाता हूं, क्या तब्दीली मेरे अंदर आई,
और क्या मेरे अंदर मेरी बुरी सिफतों में कितनी कमी आई और अच्छी आदतों में कितना इजाफा हुआ और मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी बढ़ी और मेरे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत और फरमाबरदारी के जौहर में कितना निखार आया। कुछ कमी बेशी जायज़ा लो, हिसाब करो, हिसाब करने वाला बच जाएगा। हिसाब नहीं करेंगे तो भाई अल्लाह बचाए बरसों इसी तरह निकल जाएंगे, उम्रें गुजर जाएंगी और हम जब मौत का वक्त आएगा तो रब्बि लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीबिन नुजिब दावतक व नत्तबिउर रुसुल फअसद्दक व अकुन मिनस सालिहीन। हाय हाय हाय, कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कोई मोहलत नहीं मिली। इस मोहलत को गनीमत समझो। इस वक्त मौत की कसरत हो गई, जवान मर रहे, बूढ़े मर रहे, सब मर रहे, बड़े बड़े खौफनाक हादसात में कई कई लोग एक साथ दुनिया से गुजर जा रहे, ख़त्म हो रहा है। पहले मौत की खबरें इतनी कम सुनाई देती थी कि मौत के नाम से डर लगता था, अब तो मौत की खबरें इतनी हो गई हैं और मौत मौता इतने देख रहे हैं, अपने हाथों से उठा रहे हैं, अपने हाथों से दफन करे, हंसते बोलते खिलते बोलते, कोई असर नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि मौत अब हमें डरा नहीं रही है। मौत आम हो गई, अब हमें डरा नहीं रही, अब उससे कोई खौफ हमको नहीं है। वरना एक आदमी जाता था तो दूसरा आदमी डरता था कि मेरा क्या होगा, उसका डरता था, अब कोई डर नहीं है। क्यों? इसलिए कि मौत की हैबत भी हमारे दिलों में से निकाल दी, आखिरत का तसव्वुर, आखिरत का यकीन। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला कब्रिस्तान में थे, उस जमाने में नमाज पढ़ के जनाजा ले जाके कब्रिस्तान में रख कर कब्र खोदना शुरू करते थे, इसलिए टाइम बहुत लगता था, वो कब्र खोदने के बाद तदफीन होती थी। तो कब्र खुद रही थी, जनाजा रखा हुआ था, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए अमीरुल मोमिनीन, न दुनिया की कोई कमी है और न माशाअल्लाह से दीन और ईमान में कोई कमी, साबिकून अलवलून में से मुबशर बिल जन्ना, खलीफे राशिद, नबी के दामाद, दो दो बेटियों से जुन्नूरैन, क्या दीन नहीं था, क्या दुनिया नहीं थी उनके पास, दुनिया भी बेहिसाब, ऐसी मस्जिद बनाई कि लोगों को इश्काल होने लगा कि साहब ये क्या बिदत है, ऐसी चूने गच्ची ज़बरदस्त मस्जिद तामीर हुई, न नबी ने की, न सिद्दीक ने की, न उमर ने की, ये क्यों करते हैं। तो एक दिन उन्होंने खुतबा दिया लोगों को जमा करके और कहा कि लोगों, तुम लोगों के तबसरे अब हद से ज़्यादा हो चुके हैं, सुन रहा हूँ सब बातें पहुँच रही हैं मुझे, अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या कोई दीन के खिलाफ जा रहा हूँ, कोई नया काम कर रहा हूँ। अगर मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से ये बात ना सुना होता कि जो शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है तो जितना शानदार बनाता है वैसा शानदार अपनी शान के मुताबिक अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाते। मैं अपना घर बना रहा हूँ जन्नत में अपने पैसे से, आप लोगों को क्या तकलीफ है, मैं अपने पैसे से बना रहा हूँ और अपना घर जन्नत में बना रहा हूँ, ये मस्जिद बनती नजर आ रही है तुमको, मेरा महल बन रहा है जन्नत में, अब मैं कुछ चंदा अंदर लेके थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा अपना पैसा है भाई, बहुत हो गए तबसरे आप लोगों के। तो तब लोगों को समझ में आया कि साहब हम ही लोगों का सोचना गलत था, बाद में उनको समझ में आया। तो खैर हजरत उस्मान रो रहे रो रहे रो रहे, आंसू चले जा रहे, दाढ़ी में से टपक रहे आंसू। किसी ने बाद में किसी मौके से पूछा कि हजरत आप ये कब्रिस्तान में इतना क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं? तो फरमाया भाई क्यों ना रो, खबर ही तो आखिरत की पहली मंजिल है, ये ठीक तो सब ठीक और ये गड़बड़ तो सब गड़बड़, उसे तो उसे देख के रोना आता है मुझे कि कहीं ये मेरे हक में खराब ना हो जाए, अगर कब्र बिगड़ी तो सब बिगड़ गया, इसलिए इस पहली मंजिल को अच्छा बनाने अल्लाह को बनाता हूँ, रोता हूँ, याद करता हूँ, अल्लाह पाक मदद कीजिए, अल्लाह पाक हमारी मौत आसान कीजिए, हमारी कब्र को
मेहरबान कर दीजिए, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, रोता हूँ, क्योंकि यहीं तो बैठा हुआ हूँ कब्र के पास। अहम ये कि साहब उधर मजदा दफन होता रहता है, इधर गपशप चलती रहती है, गीबतें होती रहती हैं, बुराइयाँ करते रहते हैं, सब चलता रहता है, आपस में बातें हो रही, हंस बोल रहे, हंसने बोलने की कोई जगह है भाई? कोई जगह है कब्रिस्तान हंसने बोलने की? वहां तो दाखिल होते ही अपनी मौत याद आ जाना चाहिए। कहते एक जनाजे के साथ हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने तशरीफ ले जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि किसकी मैयत है? तो फरमाया कि तेरी है, अगर तेरे बुरा लगे तो मेरी है। यानी ये किसकी है वो मत पूछो, अपने मौत को फौरन तो सोचो, अपनी मौत को। और उन्हीं के बारे में आता है कि वो किसी भी जनाजे में जाते थे तो वापस आने के बाद 2-3 दिन तक घर में रात में चिराग नहीं जलाते, और अंधेरे में रहकर कब्र के अंधेरे का तसव्वुर करते थे और उसका डर पैदा करते थे। तो लोग अल्लाह के बंदे फिक्रमंद रहे क्या अल्लाह इनकी फिक्रों को जाया करेगा, क्या अल्लाह ताला इनकी खौफ और खशियत को जाया करेगा। अल्लाह ताला तो उसका बेहतर अंजाम देगा और बेहतर बदला अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों और बहनों, बेटियों, सब अपनी मौत के लिए जियो। जीने के लिए हम क्या जिएंगे? जीना है ही नहीं तो जीने के लिए क्या जिए? जीना किसी को है ही नहीं दुनिया में। मरने के लिए जियो। वो कहा था किसी मौके पे आज़ादी हिंदुस्तान की, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए। एक मिसरा सिर्फ, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना है वो मरने के लिए तैयार हो जाए। तो हम तो मरने का नाम ही नहीं बोल, नाम ही मत लो मरने का, बस भाई ऐसा करो। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में से भी बहुत कुछ हलाल नसीब फरमाया है, बस उस हलाल पे इक्तिफा कर लो शुक्र अदा करते हुए। वरना उसको ये हक था कि दुनिया में कुछ नहीं दूंगा, बस यहाँ मुजाहिदा ही मुजाहिदा है, सब वहाँ आके मिले, तो भी हमें करना ही पड़ता था। लेकिन उसका करम है कि उसने इस दुनिया से भी बड़ा हिस्सा हमें दिया, और ये कुछ हराम कर दिया, भाई इतने से तो बच जाओ, फिर वहां मैं सब कुछ दे दूंगा, इतने से तो बच जाओ जो थोड़ा सा मैंने हराम किया है। कुछ बातों को हराम किया है, कुछ कामों को हराम किया है, कुछ खाने की चीज़ें हराम हैं, कुछ पीने की चीज़ें हराम हैं, कुछ पहनने की चीज़ें हराम हैं, कुछ ताल्लुकात हराम हैं, कुछ शहवात हराम हैं, बाकी कुछ ही तो है ना, बाकी सब का हलाल करके रखा है अल्लाह पाक। थोड़ा सा हराम किया, हर एक में से थोड़ा हराम किया, और उस थोड़े को भी नहीं बर्दाश्त करता, तब फिर क्यों जन्नत का हकदार बनेगा, और फिर क्यों अल्लाह ताला की मगफिरत की बातें करें? इस थोड़े को छोड़ दो भाई, बहुत कुछ अल्लाह ने हमें हलाल करके दे दिया, थोड़ा थोड़ा रोका है, थोड़ा थोड़ा रोका है, बस वहां रुक जाओ पाबंदी से। हिम्मत कर लो, हिम्मत ही के इस्तेमाल से हमारे सलफ कामयाब हुए हैं और हम भी उसी से कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए, हमारी बहनों बेटियों को भी, हमारे नौजवानों को भी, हमारे बड़ों बुजुर्गों को भी, हमारे खवास को, हमारे आवाम को, हम सब को अल्लाह तबारक व तआला शानहु बस फिक्र आखिरत नसीब फरमा दे। 24 घंटे हर वक्त हमारी आखिरत कैसे दुरुस्त हो सकती है, हम खुदा के सामने जाएं तो खुदा हमसे खफा न हो, ऐसा के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक फिक्र मुसल्लत हो जाए, एक टेंशन रहे, वो टेंशन हमारी सेहत को नुकसान नहीं करता, वो टेंशन नुकसान नहीं देता, वो टेंशन हमारी सेहत और अच्छी करता है, हमारे हौसले बढ़ाता है, हमारी हिम्मत में इजाफा करता है। वो फिक्र हमें आखिरत और फिक्र आखिरत, इससे कुछ नहीं नुकसान होगा, आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, आपकी नींद नहीं उड़ जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, फ़ायदे ही फायदे हैं इसमें, नुकसान कुछ नहीं है। ये सारे टेंशन और डिप्रेशन तो गमे दुनिया के हैं, गमे आखिरत का कुछ नहीं है, उससे तो सेहत सलामत है और खुशियाँ हैं और अमन है और सलामती है, सब कुछ उसमें अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ये बात हमें समझा दे
عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ووسيع غفرانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتع اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.